Watching this show makes you feel needy or greedy for more authentic humor. And if you don't succeed in finding any such content elsewhere and out of discontent, you feel like killing yourself, then please don't do that, because we don't want to crack jokes on people who kill themselves for logical reasons. Jai. ये वायर देखकर आप को लगेगा कि क्या मैंने एक्टिंग छोड़ के इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर दिया है? तो जवाब है नहीं। ये मेरी इलेक्ट्रिक कार का चार्जर है। जी हाँ, I am a victim of पचौरी प्रोपेगेंडा। मैंने क्या है कि मैंने पेट्रोल और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक कार इतनी इलेक्ट्रिसिटी खाती है कमीनी, जहां इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखता है वहीं रुक जाती है। वैसे कुछ दिनों पहले दिल्ली में वो ऑटो एक्सपो हुआ था, हाँ, इस साल बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट कार्स और कई नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हुई हैं। हर साल की तरह इस साल भी चाइनीज कार मेकर्स आए और बोले, We are working towards Indian market. We have a कौन है पीछे? We have appointed special technical team for Indian market. We will be responsible for adding zinc to Indian roads. अरे ओ हेलो ओ ओ चाइनीज भाई, ओ यू आर ओनली एडिंग इंडियन रोड्स ऑन चाइनाज मैप, नथिंग एल्स। By the way, there are no roads here. All we have are patches of potholes and slabs. अरे दुनिया भर के कार मेकर्स, कान खोल के सुन लो। Don't waste your time and energy and money working on Indian markets. I mean, तुम लोग साल भर मेहनत करते हो और फिर high power engine, GPS system, power window, comfortable seating position को update करते हो, जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट इन्वेस्ट ऑल योर मनी ऑन फिलिंग अप दोज गॉडडैम पॉटहोल्स ऑन इंडियन रोड्स और फिर देखो तुम्हारी एवरेज कार कैसे बिना पावर हाउस इंजन के स्पीड देती है। किसी एक इंजीनियर ने मेहनत करके जीपीएस सिस्टम बनाया है, एक ऐसा मशीन है, जीपीएस के बारे में बोल रहा है, ऐसा मशीन है जिसमें सारे रास्ते, मतलब सारे रास्तों के मैप्स फीड किए जाते हैं, जिसे आप ड्राइव करते वक्त रेफर कर सकते हैं। सोचिए, सिर्फ रोड देखकर जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, जब रोड और जीपीएस सिस्टम दोनों को देखकर ड्राइव करेंगे तो कितने एक्सीडेंट होंगे, कितने होंगे। अच्छा, ओके, कमिंग बैक टू इंडियन रोड्स, जैसे ही जीपीएस सिस्टम वाली कार इंडियन रोड पर आती है, खड्डे में गिरती है और बैंग, है ना, पूना टाइप करो तो आपको पालनपुर का मैप दिखाई देता है। So, the moral of the story is build good roads. बड़ी रिसर्च करके इंडियन रोड्स के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाई, लेकिन चूतियों रिसर्च करने से पहले ये तो जान लेते कि पूरी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है भी या नहीं। Don't go away, मैं इसका ये प्लग ढूंढता हूं, लगाकर आता हूं ताकि मेरी गाड़ी दोबारा शुरू हो जाए और फिर डिटेल में बात करेंगे छगन भुजबल के पोपट की। छगन भुजबल के पोपट की, अभिषेक बच्चन के बिंगो,
सीक्रेट्स और पाकिस्तान आंसर टू मिले सुर मेरा तुम्हारा राइट इतना मैंने कभी नहीं बोला राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक बजाओ मेरे भाई After this very little short break. हाँ, तो International Lunar Geographic Society ने चांद पर एक गड्ढे को शाहरुख खान का नाम दिया और करण जौहर ने कहा इस गड्ढे में सबसे पहले झंडा गाड़ने का हक सिर्फ मेरा है. लेकिन इस बात से शाहरुख खान बहुत नाराज है. उन्होंने कहा hey, क्या यार गड्ढे का नाम देना था तो तुषार कपूर उदय चोपड़ा मर गए थे क्या. अच्छा, अहमदाबाद के एक स्टील मर्चेंट मोहित मराडिया ने स्पाइस जेट को 100 करोड़ के लिए सू कर दिया क्योंकि स्पाइस जेट की फ्लाइट का एसी खराब हो गया और उसके बिगड़ जाने से मोहित मराडिया बेहोश हो गए थे और 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था उन्हें. हाँ, उनकी बीवी ने शायद किया होगा. इस पर स्पाइस जेट वालों ने कहा चूतिए 100 करोड़ होता तो हमारे पास ढंग का एसी नहीं होता गधे. इस पर मोहित ने कहा नो प्रॉब्लम हम लोग ब्याज पर पैसे देते 27%. बोलो एग्रीमेंट पेपर बनाओ. अच्छा ये सुनिए, बाला साहेब ठाकरे ने अपने 84th बर्थडे पर कहा आई स्टिल होल्ड द रिमोट कंट्रोल. सिर्फ दिखता नहीं है कौन सा बटन कहाँ है. उद्धव का बटन दबाते हैं राज की निकल पड़ती है. माफ करा बाला साहब. बाला साहब के पुराने दोस्त और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र छगन भुजबल का पोपट खो गया था. यस यू हर्ड इट राइट, छगन भुजबल साहब का 3 लाख का पोपट खो गया. आप लोग सोच रहे होंगे 3 लाख का पोपट है तो छगन भुजबल का नहीं एनडी तिवारी का पोपट होगा. इफ यू थिंक दैट देन यू आर रॉन्ग. एनडी तिवारी का पोपट प्राइसलेस है. एब्सोल्युटली प्राइसलेस. हाँ हाँ, भुजबल साहब ने पोपट को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स से लेकर पार्टी वर्कर तक सबको काम पे लगा दिया. तब जाकर 4 दिन के बाद पोपट उनके मतलब उनका पोपट उनके पड़ोसी के बंगले के छत पर मिला. और हमारे साथ है भुजबल साहब के घर के सिक्योरिटी हेड कांस्टेबल गणपत राय. इनसे पूछते हैं इतना बड़ा काम उन्होंने 3 दिन में कैसे किया. आइए. जय हिंद कांस्टेबल साहब. मराठी मध्ये बोलले का समजा ना. सॉरी, आता मी मराठीमध्ये बोलतोय. जय हिंद कॉन्स्टेबल साहेब. कसं वाटतंय आता? अच्छा लग रहा है ना? आता बराबर बोल. बराबर. हाँ, तो गणपतराय जी क्या है कि आखिर आपने भुजबल साहब का 3 लाख का पोपट ढूंढ ही निकाला. पहले ये बताओ कि ये प्रोग्राम कौन सा चैनल पे आता है? ये टीवी शो नहीं है, ये इंटरनेट शो है. ये किसी भी चैनल पर नहीं आएगा. अच्छा. हाँ, मतलब मैं इधर बिंदास इंटरव्यू दे सकता है ना अपना. मतलब मैं कुछ समझा नहीं. नहीं, मतलब अगर टीवी पे होता तो अब हमारे डिपार्टमेंट के लोग देखते, साथ के चमचे लोग भी देखते है ना. अभी इसको कौन देखने वाला है तो मैं बिंदास बोल सकते है ना. नहीं नहीं, वैसे है हमारे शो की एक अलग ऑडियंस है. बहुत सारे लोग इंटरनेट पर हमारा ये जय हिंद शो देखते हैं. अरे तो वो पढ़े लिखे लोग देखते होंगे ना. मिनिस्टर लोग किधर देखते होंगे. तो बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने छगन साहब का पोपट कैसे ढूंढ निकाला. घंटा ढूंढ निकाला. अच्छा ये बोले साहब इधर गाली मिली तो दे सकता है ना? अरे बिंदास. अरे गाली बिंदास बोल, इसीलिए तो मैं ये शो कर रहा हूँ. बोलो बिंदास. चूतिया के माफिक ढूंढ निकाला मैंने.
और साहब ने क्या किया, पोपट उड़ गया तो पुलिस का एक एक टीम पकड़ा और भेज दिया इधर उधर है ना पोपट ढूंढने के लिए। अभी पूरा टीम पोपट ढूंढने चला गया तो बंगले में एक भी पुलिस वाला नहीं। भाभी हो गई परेशान। सविता भाभी छगन साहब की वाइफ। अच्छा अच्छा, वो अलग बात है, उनका नाम भी सविता ही है। अभी क्या है कि भाभी का छोटा छोटा काम भी होता है ना, कोई भी छोटा मोटा काम होता तो मेरे बगैर उनका चलता नहीं है ना। ऐसा नहीं रे, कोई भी घर का छोटा मोटा काम होता है ना तो भाभी मेरे को किधर भेजती है। अच्छा वैसे वैसे है ना, अभी तीन दिन में क्या पूरा टीम इधर उधर काम में जुट गया पोपट ढूंढने को है ना। भाभी को हो गई तकलीफ तो भाभी ने मेरे को बुलाया और 3 लाख रुपया मेरे को दिया। बोला जा करके मार्केट से नवा पोपट लेकर के आने का और साहब को दे देने का। मैटर खल्ला। एक मिनट, मतलब छगन साहब का असली पोपट मिला ही नहीं, आप लोगों ने दूसरा पोपट लाकर उनको दे दिया। पोपट नहीं था, कौआ था। कौआ कौआ को स्प्रे पेंट मार के पोपट बना करके पकड़ा दिया। अरे हाँ, इसीलिए तो ये भी एक क्वालिफिकेशन इसीलिए हुई यहाँ। अच्छा लेकिन साहब ने अगर देख लिया तो? साहब के पास में कुछ भी देखने का टाइम नहीं है। साहब के पास तो अपना पोपट देखने का भी टाइम नहीं है। वो तो साहब का पोपट उड़ गया तो मालूम गिरा, वो भी मैंने बताया तब। बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा अब आप 3 लाख रुपए का करेंगे क्यों? मैं सोचता है कि 3 लाख में 3 टैक्सी डाल देगा मैं। टैक्सी क्यों? इतनी अच्छी सरकारी नौकरी आपकी। अरे साहब आपको अभी मालूम नहीं है, अभी ये जो टैक्सी ड्राइविंग है ना, ये भी गवर्नमेंट जॉब बनने वाला है। अच्छा ओ साहब एक काम कीजिए ना, तो मेरे लिए भी एक टैक्सी का बंदोबस्त कर दीजिए ना। काय कि आपल्याला पण मराठी बोलता येते, हम वो फास्टर फेणी में काम किया है, मला टैक्सी पाहिजे। जाती शांतपत्ती करता है क्या तुम्हें? हाँ चला के पटकन घेऊन टाका तुला। हाँ चलो ओके। मी ये तो टैक्सी जोन, यू गाइस डोंट गो अवे एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे अभिषेक बच्चन बिंगो सीक्रेट्स। ए तुम लोग हॉर्न बजा, मतलब बजा दो। टैक्सी आ गई। अच्छा ये सुनिए, हमारे हॉकी प्लेयर्स ने पिछले दिनों कहा नो पे नो प्ले। ये हाल इसीलिए हुआ क्योंकि हॉकी के दर्शकों का कहना है नो प्ले नो पे। बीजेपी का कहना है कांग्रेस के शासन में महंगाई बढ़ती है। कमाल है, कांग्रेस भी यही कहती रही है कि बीजेपी के शासन में महंगाई बढ़ती है। मतलब महंगाई की ग्रोथ कॉन्स्टेंट है, पार्टीज बदलती रहती है। चीनी का दाम फिर से बढ़ गया है, ये हर महीने एक बार जरूर बढ़ता है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार ये प्राइस राइज होर्डिंग की वजह से हो रही है। हाँ आई थिंक दे हैव अ पॉइंट, मुझसे ज्यादा चीनी का स्टॉक मेरी चींटी के पास है। पिछले दिनों फॉग की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई। सुबह 6 बजे से बजिन टाउन के, अरे हमारे बजिन टाउन के माए बाप सीईओ दिल्ली मुंबई फ्लाइट में बैठे रहे, जब शाम के 5 बज गए तो उन्हें गुस्सा आ गया, वो फ्लाइट से उतर गए, अपना पैसा वापस मांगने चले गए। इस पर एयरलाइन के ऑफिसर ने कहा एक्सक्यूज मी सर, किस बात के पैसे वापस? सर वैसे भी आपने रिटर्न फ्लाइट बुक कराई थी, राइट? आई होप यू एंजॉयड द फ्लाइट। हैं या कितनी स्मूथ फ्लाइट थी, नहीं फ्लाइट मुंबई जाकर वापस भी आ गई और आपको पता भी नहीं चला। आई नो फॉग भी बहुत था। ये लीजिए लगेज, घर जाइए। इंडिगो में सफर करने के लिए शुक्रिया। अभिषेक बच्चन
पैसों के लिए कलर्स पर तंबोला गेम शो होस्ट कर रहे हैं। आज से 9 साल पहले जो शो जावेद जाफरी होस्ट कर रहे थे, अब जूनियर बच्चन होस्ट कर रहे हैं। आई मीन फाइनली ही इज अराइव्ड एट लोएस्ट पॉइंट इन हिज करियर। हाँ, वो लोगों को घर बैठे आराम करने की हिदायत देते हैं और उनके साथ तंबोला जैसे गेम्स खेलते हैं। एनी गेस इस गेम के लिए अभिषेक बच्चन को ही क्यों चुना गया? बिकॉज ही हैज सम एक्साइटिंग एंड डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ओल्ड बोरिंग नंबर्स। टू फैट लेडीज यानी कि 88 को अभिषेक कहेंगे, अमर सिंह एंड जयाप्रदा। नंबर वन के लिए कहेंगे पा। ऑब्वियसली डैड को नंबर वन नहीं कहेंगे तो डैड और ऐश्वर्या दोनों उन्हें छोड़ के चले नहीं जाएंगे। नंबर टू के लिए कहेंगे अनिल अंबानी, क्योंकि कितना भी ट्राई कर ले ही कैन नेवर बी नंबर वन। खुद को कहेंगे नंबर थ्री, यस पहले सलमान, सेकंड विवेक, उनका नंबर तीसरा। जीरो को कहेंगे बिंग ओ, बिंग ओ, यस दैट्स द टीआरपी ऑफ द शो, बिंग ओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐश्वर्या राय को कौन सा नंबर देंगे, ऑब्वियसली 35। हाँ, मतलब 40 की ऐश्वर्या को 35 से कम कोई क्या बोलेगा। ब्रेक के बाद पाकिस्तान का नया नेशनल डिसइंटीग्रेशन सॉन्ग। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमने 20 साल बाद मिले सुर मेरा तुम्हारा का नया वर्जन बनाया, तो भला पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाले थे। Here is their version of our song. मैं हूं गबरू जवान पश्तू, नाम है मेरा अब्दो, सर पे टोपी मुंह पे दाढ़े, किसी अमेरिकन के हाथ ना आने वाली। तालिबान का है मुझ पे असर, गर्जिस्तान है मेरा घर, मेरे साथ आओ बम बरसाओ और कहो, मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा। सुर की नदिया टेरर कैंप से बहके तालिब से मिले, बादलों का रूप ले कर अमरीका बम बरसाए, हल्के हल्के वो मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ खोजे मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने। खोची बकरी को पकड़ो। मैं सिंधी हूँ, उल्लासनगर में क्यों नहीं रहती हूँ, पूरी तरह मैं फंस गई हूँ, अब कराची में बस गई हूँ। दाऊद भाई है मेरे पास, वो करते हैं बम्बैया बकवास, तुम भी आओ बम बरसाओ मेरे साथ। मैं हूँ आजाद कश्मीरी, धोबी का कुत्ता हूँ मैं, और ऐसी मेरी आजादी, इंडिया का पाकिस्तानी और ना ही कोई पठानी, जय शैली टी लश्कर सब है मेरे पास, पर कर ना सका अब तक कुछ खास, तुम भी आओ मेरे साथ बम बरसाओ। सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। सुर की नदिया टेरर कैंप से बहके
बम बरसाए हल्के। क्वेटा का बाशिंदा हूँ मैं बलूची, नहीं है पाकिस्तान में कोई रुचि, फिर भी यहीं रहता हूँ, पाकिस्तान से आजादी मांगता हूँ। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर बने हमारा। सुर की नदिया, टेरर कैंप से बहके तालिब से मिले, बादलों का रूप लेकर अमरीका बम बरसाए हल्के। मैं पंजाबी फुल टाइम नमाजी, यूके से आया हूँ, एक्शन में चिल्ला मारो। भुट्टो भाग का खाता हूँ पर मैं भी भुट्टो कहलाता हूँ, नवाज शरीफ मेरा यार बोलना पड़ता है यार, पर कहलाता हूँ मैं पाकिस्तान का यार, मेरे साथ आओ बम बरसाओ और कहो। मैं हूँ मुहाजिर, ये मुल्क है मुहाजिर, जिन्ना मुहाजिर पाकिस्तान मुहाजिर, इस जंग में हम सब हैं हाजिर। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर बने हमारा। सुर की नदिया टेरर कैंप से बहके तालिब से मिले, बादलों का रूप ले अमरीका बम बरसाए हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा हमारा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अनलाइक आवर न्यू अवतार ऑफ द सॉन्ग। ये वर्जन नेशनल डिसइंटीग्रेशन का था। पता नहीं उस फैंटास्टिक गाने का नया वर्जन क्यों और किस लिए बनाया। कसम से चलो ठीक है, बना दिया, क्या कर सकते हैं, इंडिया इज अ फ्री कंट्री राइट। और हाँ, पाकिस्तान वी केयर फॉर यू, इसीलिए जय हिंद ने भी तुम्हारे लिए गाना बना दिया, नहीं तो हु केयर्स अबाउट यू पीपल। Anyways, the message is very loud and clear. Terrorism कम करो माँ की आंख, नहीं तो हमें सिर्फ गाना ही नहीं बजाना भी आता है। जय हिंद।